नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम अशोक गहलोत ने इसी महीने से 90 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री राशन किट देने की शुरुआत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, इस महीने 20 से 25 तारीख से हम फ्री राशन किट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने से राशन किट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे। पहले फेज में इसी महीने से 40,00,000 महिलाओं को 5-7,000 रुपये का स्मार्टफोन देंगे। फ्री राशन किट राशन की दुकानों से ही मिल जाएगा। गहलोत ने कहा, पहले फेज में विधवा एकल महिला स्कूल जाने वाली 10वीं-12वीं बच्चियों को पहले मोबाइल दिए जाएंगे। मंगलवार को गहलोत 50,00,000 लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफर करने के मौके पर लाभार्थी संवाद समारोह में बोल रहे थे। जयपुर में एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाश ने कॉल कर धमकाया कि 1 घंटे के अंदर अंदर रुपए भिजवा दे, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को गोलियों से छन्नी कर देंगे। प्रतापनगर थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस कर बदमाश को मंगलवार को अरेस्ट कर JC भेज दिया है। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस की अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने 6 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी। पिछले महीने कंपनी के ऑडिटर और बोर्ड के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इस जांच के बाद कंपनी के मामलों का आंतरिक आंकलन किया जाएगा और निरीक्षण में जो सामने आएगा उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी कि क्या मामले को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास ले जाने की जरूरत है या नहीं। हालांकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और बायजूस की ओर से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका फिलहाल जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन को नाटो से मिल रही लगातार मदद दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के और करीब ले जा रही है। लिथुआनिया में हो रही नाटो समिट पर मेदवेदेव ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मिलिट्री एड पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों को स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्र जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यों की फोटो, ऑडियो और वीडियो के साथ आवेदन करना होगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो nationalawards2teachers.education.government.in को अपने वेब ब्राउजर पर टाइप करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।